और उत्तर प्रदेश में भी एक करिश्मा हो रहा है, 9 सीटों पर उपचुनाव, 7-2 से बीजेपी आगे चल रही है समाजवादी पार्टी से। तो यूपी में आप कह सकते हैं आदित्यनाथ का जलवा चल रहा है, और इसकी इसमें जो एक अहम सीट है कुंदरकी की सीट, वहां पर आप देख रहे हैं 60% मुस्लिम मतदाता वाली ये सीट है, 1 लाख के मार्जिन से बीजेपी इस सीट पर आगे चल रही है। अगर आ जाए हमारे सामने ग्राफिक तो हम उत्तर प्रदेश की सारी सीटों का हाल आपको एक एक करके बता देते हैं। ये वो 9 सीटें हैं, देखिए सीसामऊ कानपुर की सीट ये समाजवादी पार्टी के साथ ही पास थी, उसके पास ही रहने जा रही है ऐसा लग रहा है। कटेरी की सीट सपा से भाजपा छीन रही है। करहल में अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद जो विधानसभा सीट खाली हुई थी उस पर समाजवादी पार्टी को चैलेंज नहीं मिल रहा था, पहले भी ऐसा नहीं लग रहा था, वही होता दिख रहा है। लेकिन ये कुंदरकी की सीट है जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, मुरादाबाद की सीट, आप समझिए 31 साल के बाद यहां पर कोई हिंदू विधायक चुनकर के आएगा। 31 साल के बाद बीजेपी का जो मार्जिन इस वक्त चल रहा है वो 1 लाख वोटों का मार्जिन चल रहा है, और इसमें विश्लेषकों का यह मानना है कि मुसलमानों ने भी कुछ हद तक बीजेपी के लिए वोट दिया होगा, तब इतना बड़ा मार्जिन उपचुनाव में किसी उपचुनाव में मिल सकता है। तो कुंदरकी की जीत बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत जो है वो साबित होने वाली है, इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। फूलपुर प्रयागराज की बीजेपी के पास थी 2022 से, वो इस सीट को रिटेन कर रही है। ऐसे गाजियाबाद की सीट है, मजमा की जो सीट है ये सीट, मिर्जापुर की सीट निषाद पार्टी के पास थी, बीजेपी इस बार लड़ी, बीजेपी ये सीट जो है जीत रही है। खैर की सीट अलीगढ़ की सीट बीजेपी की थी 2022 में, एक बार फिर वही सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। आरएलडी का मीरापुर मुजफ्फरनगर वाली सीट जीतना ये भी इतना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि तब वो समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी मिलकर ही चुनाव लड़ी थी, इस बार बीजेपी के साथ मिलकर मुस्लिम बहुल सीट फिर एक बार बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का जो रुझान आपके सामने है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि योगी बाबा का जलवा हो गया है। कुंदरकी जहां पर अभी आप बता रहे थे कि मुसलमानों के वोट निर्णायक होते हैं, वहां पर अगर 95,000 की लीड बीजेपी बना ले तो वाकई में बड़ी हैरानी होती है। गाजियाबाद में बीजेपी को 56,000 वोट की बढ़त मिल रही है। उत्तर प्रदेश में वो तमाम सीट जहां पर मुस्लिम वोटर्स बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, डोमिनेंस जहां पर है वहां पर बिना मुस्लिम वोट बीजेपी के लिए आए ये आंकड़ा तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ कटेंगे और बटेंगे ही नहीं चला, उसके अलावा भी बहुत कुछ और चल गया है। ये 9 सीटों का आंकड़ा आपके सामने, 7 बीजेपी के पास, 2 समाजवादी पार्टी के पास, 2 सीटों का नुकसान समाजवादी पार्टी को दिखाई दे रहा है, बीजेपी को उन्हीं 2 सीटों का बढ़त दिखाई दे रही है। कुंदरकी में मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दे दिया है, कुंदरकी में 60% से ज्यादा की मुस्लिम आबादी, और यहाँ पर बीजेपी का हिंदू विधायक बनकर आता नजर आ रहा है। हैरानी हो रही है विजय जी, मीरापुर में आरएलडी कुछ लिए 20,000 वोटों की लीड है, मीरापुर तो इन्हीं के पास आनी थी, आरएलडी के पास ही थी सीट, हालांकि उस समय वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन कुंदरकी की जो जीत है वो बड़ी जीत है दोनों तरह से। यदि आप एक पूरा का पूरा ट्रांजिशन वोट्स का देखें कि माइनॉरिटी की एक सीट वो हमेशा बनी रही, उससे हिंदू एमएलए आ जाए वो भी एक बड़ा काम है, मतलब आप उसे धर्म के हिसाब से नहीं भी देखें तब भी, और भारतीय जनता पार्टी उसमें 95,000 की लीड ले ले, 98,000 की ले ले या 1 लाख हो जाएगा, तो वो भी एक बड़ी लीड है। और इसको भी मानना चाहिए, अभी आज तो हमारे पास देवेंद्र जी की चर्चा करने का दिन है, लेकिन ये 9 सीटों पर जो लड़ाई है, और इसको भी बाउंस बैक की तरह से देखिए, बिल्कुल ये बाउंस बैक है, बल्कि महाराष्ट्र से भी बड़ा बाउंस बैक है, क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनावों में योगी जी का जिस तरह से नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ, उसके बाद ये जो नतीजे हैं ये वाकई योगी जी के लिए बाउंस बैक की बात है। और